प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मदन सिंह। आज कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी ब में हम लोग स्पर्श भाग एक की एक रचना है रैदास के पद, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। रैदास भक्तिकाल के निर्गुण मार्गी संत थे। इनका पूरा नाम रविदास था। रविदास का जन्म 1388 और देहावसान सन 1518 में हुआ। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के उच्च कवि माने जाते हैं। इन्हें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में जरा भी विश्वास नहीं था। वह भक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास ने अपने पदों में उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। रैदास ने अपने पदों के द्वारा हृदय के भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को सहज भाव से अपनाया है और समाज में सम्मानीय स्थान दिलाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने उनके जीवन परिचय से यह जाना कि रैदास एक निर्गुण मार्गी संत कवि थे और वे बाह्य आडंबर के, मूर्ति पूजा के, इन सारी चीज़ों के वे विरोधी थे। आइए उनके पदों का अध्ययन करते हैं। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद के माध्यम से रैदास यह कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके नाम की रट मुझे लग चुकी है और यह रट जो है अब मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है, यह रट अब छूटने वाली नहीं है, आप मेरे जीवन में पूरी तरह से समा चुके हैं और मैं आपकी भक्ति भावना में पूरी तरह से डूब चुका हूँ, आपके रंग में पूरी तरह से रंग चुका हूँ, यह भक्ति भावना अब मेरे हृदय से जाने वाली नहीं है। यहाँ रैदास ने भक्त और भगवान की, अपनी और भगवान के साथ उनका जो गहरा संबंध है, उसके बारे में चर्चा की है और कहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। जिस तरह से पानी में जब चंदन को घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो चंदन की खुशबू जो है पानी में व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से आप मेरे अंग अंग में समा चुके हैं, रच बस चुके हैं और आपकी सुगंध अब मेरे जीवन से जाने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप यदि घन हैं, बादल हैं, तो मैं उस बादल को देखकर प्रसन्न होने वाला मोर हूं। वर्षा ऋतु जब आती है, आसमान में काले काले बादल छाते हैं, तो उन काले बादलों को देखकर जंगल में जो मोर होते हैं वे नाच उठते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं और
अपनी प्रसन्नता अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से रैदास यह कहते हैं कि अगर तुम घन हो, बादल हो, तो मैं उस बादल को देखकर मोहित होने वाला मोर हूँ। मैं आपको उसी तरह से देखता रहता हूँ जिस तरह से चांदनी रात में चकोर पक्षी चांद को निहारता है, चांद को देखता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे ईश्वर, मैं आपको उसी तरह से देखता हूँ, आपका ध्यान लगाता हूँ जिस तरह से चांदनी रात में चकोर पक्षी चांद को निहारता है, उसकी सुंदरता को निहारता है और उसमें खो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर, अगर आप दीपक हैं तो उस दीपक में जलने वाली बाती मैं हूं। आपकी भक्ति का जो दीपक है मेरे हृदय में रात दिन प्रज्वलित है, रात दिन जल रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मेरा और आपका जो संबंध है इतना अटूट संबंध है, इतना गहरा संबंध है जिसे अब अलग नहीं किया जा सकता है। यदि आप मोती हैं तो उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा मैं हूँ, और आप जैसे सुनहि मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने में सुहागा मिल जाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से मेरे जीवन में आपके प्रभाव के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपके प्रभाव के कारण मेरे व्यक्तित्व की चमक जो है और अधिक बढ़ गई है। तो इसीलिए रैदास कहते हैं कि अगर तुम मोती हो तो मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ, अगर मैं सोना हूँ तो उस सोने में मिलकर उसकी सुंदरता उसकी चमक बढ़ाने वाले सुहागा आप हैं। बिना सुहागे के सोने में चमक नहीं आ सकती है, इसीलिए जो आभूषण बनाते हैं वे आभूषण बनाते समय सोने में शुद्धता लाने के लिए और उसकी चमक बढ़ाने के लिए सुहागा का प्रयोग करते हैं। आपके संपर्क में आने से मुझ में एक निखार आ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु, यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, मेरी जो भक्ति है आपके प्रति वह इसी तरह की भक्ति है। यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मैं आपकी चरणों का दास हूँ, मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में न्यौछावर करना चाहता हूँ, व्यतीत करना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, रैदास ने इस पद के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि उनका और परमात्मा का किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध है, और इसी संबंध को दर्शाने के लिए परमात्मा की तुलना कई अलग अलग चीज़ों के साथ की गई है, और रैदास ने अपनी तुलना कई दूसरी चीज़ों के साथ की है। जैसे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, अगर आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ, यदि आप चांद हैं तो मैं चकोर हूँ, यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, आप सुहागा हैं तो मैं सोना हूँ, यदि आप स्वामी हैं तो मैं धागा हूँ। इस तरह से हमने इस पद का अध्ययन किया। अब आइए दूसरे पद को देखें। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत को लागे, तापर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीरु तिलोचन, सदना सैनु तरे, कहे रविदास सुनहू रे संत हूँ, हरजीव ते सभे सरे। इस पद के माध्यम से रैदास यह कहते हैं कि हे ईश्वर, हे लाल, इस संसार में तुम्हारे अलावा मेरे जीवन का उद्धार करने वाला कोई नहीं है।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जिस तरह से तुम मुझ पर कृपा बरसाते हो, ऐसी कृपा करने वाला इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। हे ईश्वर, तुम तो गरीब निवाज हो, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे। मेरे जो ईश्वर हैं वे गरीब निवाज हैं। जो समाज में गरीब हैं, दिन दुखी हैं, वे उनका भी उद्धार करते हैं। वे ऊंच नीच की भावना से परे हैं, वे समदर्शी हैं। यदि समाज के नीचे से नीचे तबके का व्यक्ति भी सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है तो वे उसका उद्धार करते हैं और उसी ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर उसकी घनेरी छाया है। गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे। मेरे जो परमात्मा हैं गरीब निवाज हैं और उन्होंने मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनेरी छाया प्रदान की है। जा की छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। जिस व्यक्ति को अछूत मानकर लोग जिससे दूर भागते हैं, ऐसे लोगों पर भी हे ईश्वर तुम्हारी कृपा दृष्टि रहती है। ऐसे लोगों पर भी तुम मेहरबान रहते हो और उनके जीवन का उद्धार करते हो। ईश्वर की कृपा से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। समाज में जिन लोगों को अछूत समझा जाता है, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जाति छोटी जगत को लागे, जिसकी छूत दुनिया को लगती है, उस व्यक्ति के प्रति भी ईश्वर जो है दया भाव रखते हैं और उसकी हर संभव सहायता करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जो नीचे तबके के लोग होते हैं, उन्हें उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, समाज में वे उपेक्षित होते हैं, तो ऐसे दलित उपेक्षित वर्ग के लोगों के प्रति भी हे परमात्मा, आपके मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, आप उनका उद्धार करते हैं। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो परमात्मा हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, उनमें असीम शक्ति है। जो व्यक्ति समाज में नीचे है, उसे उठाकर ऊंचे आसन पर वे विराजमान कर सकते हैं। नीच हूँ ऊंच करे, जो शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उन्हें भी समाज में ऊंचा दर्जा वे दिला सकते हैं और वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनके ऐसा करने से भक्तों का एक बहुत बड़ा वर्ग अगर नाराज हो जाता है तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, वे किसी से डरते नहीं हैं। अगर दिन दुखियों का उद्धार करना है तो अवश्य उसका उद्धार करते हैं और उन्होंने ऐसे कई लोगों के जीवन का उद्धार किया है। रैदास ने कई महान संतों की चर्चा करते हुए कहा कि हे ईश्वर, आपने तो नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु, इन सबके जीवन का उद्धार किया है। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इन्होंने समाज में एक अपना स्थान बनाया और इन्होंने समाज के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए और मानवता को एक सही राह दिखाई। ये हमारे देश के जाने माने संत थे और समाज के नीचे वर्ग से आते थे, फिर भी परमात्मा की इन पर कृपा दृष्टि रही और समाज में इन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ और सभी वर्ग के लोगों ने इन सबको बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, इनके बताए हुए रास्ते पर चले। कही रविदास सुनहु रे संत हूँ, हर जीव ते सभे सरय। रविदास कहते हैं कि हे संतो, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हरि जो हैं, परमात्मा जो हैं,
वे सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। तो इस पद में हमने यह देखा कि रैदास का यह मानना है कि ईश्वर समदर्शी है और वह गरीबों का भी उद्धार करता है। जिन लोगों को समाज में उपेक्षित समझा जाता है, अछूत समझा जाता है और जिससे लोग दूर भागते हैं, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर की असीम कृपा रही है और उन्होंने कई लोगों के जीवन का उद्धार किया है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु, इन सबके जीवन का उद्धार किया है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में रैदास के दो पदों का अध्ययन किया। पहले पद में भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है उसको दर्शाया गया है और दूसरे पद में ईश्वर का जो गरीब निवाज रूप है उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जैसा कि पहले पद में आपने यह जाना कि भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है, रैदास और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, आप की जो कृपा है वह मेरे अंग अंग में समाई हुई है, यदि तुम घन हो तो मैं मोर हूँ, तुम चांद हो तो मैं चकोर हूँ, तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, तुम सुहागा हो तो मैं सोना हूँ, तुम स्वामी हो तो मैं दास हूँ। दूसरे पद में हमने यह देखा कि ईश्वर बहुत ही दयालु हैं, समदर्शी हैं, दिन दुखियों के उद्धार करता है और यही कारण है कि ईश्वर को गरीब निवाज भी कहा जाता है और वे उपेक्षित लोगों का भी भला करते हैं, उद्धार करते हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं। आइए इस पाठ से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपने इस पाठ में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका वर्तमान रूप पूरी तरह से बदल चुका है। आज से 400-500 वर्ष पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था उन्हीं का प्रयोग इन पदों में किया गया है। जैसे पहला शब्द है बास। बास जिसका अर्थ है गंध, जिसे वास भी कहा जाता है। समानी, समा जाना, समानी मतलब समा जाना, सुगंध का रच बस जाना। चंदन को जब हम पानी के साथ उसे मिलाकर घिसते हैं तो चंदन की सुगंध जो है उस जल के साथ रच बस जाती है, समा जाती है, समानी, समाहित हो जाना। घन, बादल, बादल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे घन, मेघ, घटा, जलधर, पयोधर इत्यादि। मोरा, मोर का अपभ्रंश रूप है जिसे मयूर भी कहा जाता है। चितवत, चितवत का अर्थ होता है देखना, निरखना, निहारना। चकोर, चकोर एक पक्षी का नाम है और इसके बारे में यह माना जाता है कि चांदनी रात में चकोर पक्षी जो है चंद्रमा की ज्योत्सना से प्रभावित होकर उसे रात भर निहारता रहता है। यह चकोर पक्षी जो है तीतर की जाति का एक पक्षी है। बाती, बत्ती, बाती से ही बना बत्ती। जब हम दिया जलाते हैं तो दिया में जो रुई को मिलाकर जो बनाते हैं, ऐंठ कर जो तैयार करते हैं, वह बत्ती होती है, उसे बाती
पहले कहा जाता था, आज भी लोग कहते हैं। ज्योति 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 देवता के प्रीति अर्थ जलाया जाने वाला दीपक, परमात्मा की भक्ति के लिए जो हम दीपक जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश है उसे ज्योति कहते हैं। बरे जले जलना, राति रात्रि रात, सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें चमक लाने के लिए जो चीज़ डाली जाती है, क्षार द्रव्य जो डाला जाता है उसे सुहागा कहा जाता है। दासा दास सेवक। आइए पाठ से संबंधित कुछ और शब्दों को देखें। कौनो कौन, गरीब निवाजो, दिन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया स्वामी गुसाई। माथे छत्रु धरे, मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। छोती छुआछूत अस्पृश्यता। जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है। लाल स्वामी। ता पर तू ही ढरे, उन पर द्रवित होता है। परमात्मा जो है अछूत समझे जाने वाले लोगों पर भी द्रवीभूत होते हैं, अपनी दया दृष्टि डालते हैं। नीच हूँ ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचनो त्रिलोचन, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। साधना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत थे। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीव हरि जी से। तो इस तरह से हमने इस पाठ से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखें। प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन पानी, घन मोर, चंद्रचकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना की गई है। कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के नाम की लगन में रम जाने की इच्छा व्यक्त की है। ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी आदि। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर, तुकांत शब्द हैं मोरा चकोरा, पानी समानी, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। उत्तर है दीपक बाती, चंद्र चकोरा, मोती धागा, चंदन पानी, स्वामी दासा। घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दूसरे पद में कवि ने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है, इसका अर्थ है दिन दुखियों पर दया करने वाला। ईश्वर की अनुकंपा से समाज में अछूत माने जाने वाले व्यक्ति को भी संत की पदवी प्राप्त हुई,
और वे महान संत के रूप में समाज में जाने गए। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। दूसरे पद की, जा की छोती जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ईश्वर की कृपा से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। समाज में जिन लोगों को अछूत समझा जाता है, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जाति छोती जगत को लागे। समाज में जिन लोगों को अछूत समझा जाता है, उस व्यक्ति के प्रति भी ईश्वर जो है दया भाव रखते हैं और उसकी हर संभव सहायता करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? उत्तर, रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया और गरीब निवाजु नामों से पुकारा है। छह, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा मोर, चंद्र चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरे जलना, राति रात, छत्रु छाता, छोती छूने, तू ही तुम ही, गुसैया गुसाई। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, जा की अंग अंग बात समानी। उत्तर, कवि परमात्मा की भक्ति में इस तरह से लीन हो गए हैं कि परमात्मा की भक्ति भावना जो है उनके अंग अंग में समा गई है, रच बस गई है। जैसे चंदन को पानी के साथ रगड़ने पर सुगंधित लेप बनता है, उसी प्रकार राम नाम की लेप की सुगंधि उसके अंग अंग में समा गई है। कवि इसकी अनुभूति करता है। ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। उत्तर, जैसे चितवत चंद चकोरा, इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे चकोर पक्षी हमेशा चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, उसी प्रकार भक्त भी सदा ईश्वर का प्रेम पाने के लिए तैयार रहता है। ग, जा की ज्योति बरे दिन राति। उत्तर, भाव यह है कि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने वाला कवि अपने प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बाती मानता है। जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार कवि अपने मन में प्रभु की भक्ति की ज्योति जलाए रखता है। घ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। उत्तर, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर से बढ़कर इस संसार में सभी लोगों को एक बराबर सम्मान देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो सबका है और वह किसी में भी भेदभाव नहीं करता, तथा वह अछूतों को भी सम्मान से देखता है और उच्च पद पर आसीन करता है। अंग, नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। उत्तर, संत रैदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। समाज के निम्न वर्ग के लोगों को कुछ लोग उचित सम्मान नहीं देते, परंतु परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। मेरे जो परमात्मा है, रैदास कहते हैं कि मेरे जो परमात्मा हैं वे बहुत ही निडर हैं, वे किसी से भयभीत नहीं होते और नीचे तबके के लोगों पर भी उनकी कृपा दृष्टि रहती है और वे उनके जीवन का उद्धार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर,
रैदास ने अपने पद में विविध उदाहरणों के द्वारा अपनी निराकार भक्ति प्रकट की है। वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वे अपने भगवान से इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता है। कवि ने दूसरे पद में अपने आराध्य देव के दीन दयालु और सर्वगुण संपन्न रूप का गुणगान किया है, जो ऊंच नीच और भेदभाव नहीं जानता तथा किसी भी जाति में उत्पन्न अपने भक्त को सहज भाव से अपनाकर उसे दुनिया में सम्मान दिलाता है। तो इस तरह से हमने आज रैदास के दो पदों का अध्ययन किया। अगली कक्षा में मैं फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।